अनबॉक्सिंग करेंगे। हमने कैबिनेट को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नेट वर्क के साथ फ्रंट पैनल है। और ये आपका इसका फ्रंट पैनल है, टॉप में ये है, यहाँ पे आपके 3.0 USB और 2.0 USB के लिए दो पोर्ट दिए गए हैं, साउंड के लिए हो गए, ये आपका रिस्टार्ट के लिए बटन है, ये पावर के लिए बटन है, ये LEDs है। और ये आपका इसमें देख सकते हैं ये इसका साइड फुल साइड एक्रेलिक पैनल है, हम इसको ओपन करते हैं। तो ये आपके अंदर से कैबिनेट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ATX माइक्रो ATX और MATX मिनी ATX मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे वायर्स है, वायर्स की क्वालिटी की बात करें तो इस बार BBG ने बहुत अच्छी वायर्स आप लोगों के लिए यूज की है, ये 3.0 के लिए है। और ये आप देख ही सकते हैं वायर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी इसमें यूज की गई है। और ये आपके स्क्रूज हैं जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक माउंटेड है, एक्स्ट्रा इसके स्क्रूज के साथ ही है। हम इसमें बात करते हैं फैंस की, तो इसके अंदर आपके दो फैन 120mm के फ्रंट में लग जाएंगे, एक आपका रियर में लग जाएगा और दो आपके यहाँ पे ये PSU के ट्यूब के ऊपर दो लग जाएंगे। इसके अंदर अपन 240mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले फ्रंट पैनल खोल के दिखाता हूँ, ये हमने फ्रंट पैनल इसको ओपन कर लिया। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका नेट का वर्क दिया गया है और ये साइड में भी एयर फ्लो के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और फ्रंट में भी सारा एयर फ्लो के लिए बहुत अच्छा डिजाइनिंग की गई है। दोनों साइड इसमें एयर फ्लो के लिए दिया गया है और ये डस्ट फिल्टर भी आ गया फ्रंट में पूरा लगा हुआ है इसके अंदर। आप यहाँ पे 240mm का रेडिएटर भी फिट कर सकते हैं, 240mm का वाटर कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रंट के अंदर। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के लिए, तो इसमें हार्ड डिस्क का पॉकेट और सप्लाई का पॉकेट हिडन है, ओपनली नहीं दिखता है किसी को भी। तो ये हम इसको ओपन करते हैं इसका बैक पैनल। तो ये आपका इसमें हार्ड डिस्क के लिए आपके लिए दो ट्रे दी गई है, इसके अंदर आप दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क फिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे माउंट करके दो SSD भी माउंट कर सकते हैं। दो SSD हम यहाँ पे भी इसके इनसाइड रख के आप बैक में करके स्क्रू करके यहाँ पे दो SSD भी माउंट कर सकते हैं। ये आपके लिए PSU के लिए स्पार्टेड स्पेस दिया गया है और इसके साइड में इसके बैक साइड में भी एक डस्ट फिल्टर आपके लिए दिया गया है, चार आपके लिए स्टैंड दिए गए हैं और वाइब्रेशन रबर भी लगी हुई है जिससे कि किसी तरह की वाइब्रेशन आपको कैबिनेट के अंदर महसूस नहीं होगी। साथ इसके अंदर स्लॉट दिए गए हैं और ये आपकी ये कैबिनेट है BBC की और आप इसके बारे में देख सकते हैं बहुत अच्छा एयर फ्लो के लिए इसमें स्पेस दिया गया है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग की गई है। बस इसके अंदर आपको किसी भी तरह का फैन नहीं दिया गया है क्योंकि कई बार लोगों को का इश्यू रहता है कि वो फैन अलग से लगाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार बिना फैन के कैबिनेट ज़्यादातर मॉडल लॉन्च किए हैं। तो आप फैन हमारा कोई भी बाय कर सकते हैं, BBC के बहुत सारे फैन की रेंज है, आप जिस तरह का चाहे अपना चूज कर सकते हैं। तो ये इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग थी, आप देख सकते हैं कैबिनेट के बारे में। और कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।